हमारी डिस्कशन चल रही है ऑन अ स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क पाकिस्तान में लाइट इंजीनियरिंग सेक्टर को डेवलप करने के हवाले से। इस सिलसिले में शुरू में मैंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें लाइट इंजीनियरिंग सेक्टर का कॉन्टेक्स्ट आपके सामने रखा और ये बताया कि लाइट इंजीनियरिंग सेक्टर में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं और कहाँ पर वो ज़्यादातर लोकेटेड है। उसके बाद हमने चैलेंजेस पर बात की अगली वीडियो में, जो कि पिछले वीक अपलोड की गई, कि किस किस्म के चैलेंजेस लाइट इंजीनियरिंग सेक्टर फेस करता है, उसमें मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे कौन से चैलेंजेस हैं जो तमाम इंडस्ट्रीज फेस करती हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे या इंडस्ट्री लेवल पे कौन से चैलेंजेस हैं जो कि स्पेसिफिक हैं टू द लाइट इंजीनियरिंग सेक्टर। आज इस सिलसिले की आखिरी वीडियो है जिसमें हम उस स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क के ऊपर बात करेंगे कि वो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क क्या है जिससे हम लाइट इंजीनियरिंग सेक्टर में बेहतरी लेके आ सकते हैं। स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क से रिलेटेड मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क जो है उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें जो एरियाज ऑफ फोकस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं रखे जा सकते। अगर हर चीज़ जो है उसको उसमें डाल दिया जाएगा तो बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च होंगे, बहुत सारा वक्त खर्च होगा, पैसे खर्च होंगे। चंद एरियाज पे जो कि क्रिटिकल हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, उन पर फोकस करना बड़ा ज़रूरी होता है ताकि आप मिनिमम रिसोर्सेज खर्च करके जल्दी से जल्दी ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से अपनी उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर सकें और उससे जो आप रिजल्ट डिज़ायर कर रहे हैं, जो आउटकम डिज़ायर कर रहे हैं, वो आप हासिल कर सकें। तो यहाँ पे भी हमने इस स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क के 5 कंपोनेंट्स रखे और 3 हमने उसके गोल्स डिफाइन किए। पहला गोल ये है कि टेक्नोलॉजी को की अडॉप्शन को, टेक्नोलॉजी की ट्रांसफ़र को जो है वो अनेबल करना, उसको इंडस्ट्री तक पहुंचाना। दूसरा जो इसमें गोल है वो ये है कि हमारे लोगों की, हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज की कॉम्पिटेंस को और कैपेबिलिटीज़ को बेहतर करना। और तीसरा गोल या तीसरा आउटकम हमारा ये है कि बिजनेस को एक हायर परफॉर्मेंस के लेवल पे लेके जाना। इसमें यह भी देखना ज़रूरी है कि ये स्ट्रेटजी ना सिर्फ खाली प्राइवेट सेक्टर इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, और ऑब्वियसली गवर्नमेंट का तो रोल ही नहीं होता कि वो प्राइवेट सेक्टर की डोमेन में स्टेप इन करें, उसका तो एक फैसिलिटेशन का और सपोर्ट का रोल होता है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने में, और आप आगे चल के देखेंगे भी कि ये गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर के प्राइवेट बिजनेसेस और गवर्नमेंट हमारी जो है ये मिल के इस स्ट्रेटजी को मज़ीद रीडिफाइन करें, मज़ीद बेहतर करें, इसके नीटिग्रिटीज़ को पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलकर डिसाइड करें, और फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी इन दोनों पार्टीज़ का आपस में मिलजुल के चलना बड़ा ज़रूरी होगा। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि हमारे ज़्यादातर जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं लाइट इंजीनियरिंग सेक्टर में, ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं। इनके पास अपने पास वो काबिलियत और रिसोर्सेज नहीं है कि ये गवर्नमेंट की मदद के बगैर डेवलप कर सकें। अब ये स्टेप्स हैं क्या, तो इसमें से पहला स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट जो है वो रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अडॉप्शन का है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है उसके दो ही तरीक़ेकार हो सकते हैं, या वो आपके अपने मुल्क में रिसर्च के थ्रू डेवलप की जाती है, या किसी दूसरे मुल्क में अगर रिसर्च के थ्रू कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की है तो उसको आप इम्पोर्ट कर सकते हैं। फ़ायदा आपको अपने मुल्क में टेक्नोलॉजी के डेवलप करने का ये होता है कि वो आपकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रख के बनाई जाती है, और आमतौर पर देखा यह गया है कि अपने मुल्क की रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जो टेक्नोलॉजी आती है वो सस्ती भी होती है। इन दोनों वजूहत की वजह से उसकी अडॉप्शन ज़्यादा से ज़्यादा आसान हो जाती है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान इसमें कुछ थोड़ा पीछे है, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है कि हम दूसरे मुल्क से फौरी तौर पर टेक्नोलॉजी मंगवा के तो अपनी इंडस्ट्री को जो है वो इंसेंटिव्स ऐसे दें कि वो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करे और अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर लें। अगला कॉम्पोनेंट जो है वो ईज़ इन ऑब्टेनिंग बैंक लोन्स का है। जब हम बैंक लोन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर भी छोटे और दरमियानी लेवल के जो कारोबार हैं, अक्सर देखा यह गया है कि वो बैंक तक, लोन तक उनकी रसाई इतनी आसान नहीं होती। उनमें उनकी अपनी काबिलियत के भी इशू होते हैं, बैंक की प्रेफरेंस के भी इशू होते हैं, और फिर स्टेट बैंक की कुछ रेगुलेशन भी जो है अक्सर मुश्किल होती हैं, और छोटे कारोबार के लिए बैंक लोन लेना ज़रा मुश्किल हो जाता है। बैंक लोन लेने की ज़रूरत क्या है इन कारोबार को? आमतौर पर 3 बुनियादी चीज़ें हैं जिनके लिए इनको बैंक लोन की ज़रूरत पड़ सकती है। या इनको रनिंग कैपिटल चाहिए, रॉ मटेरियल खरीदा, लेबर की सैलरीज दी और अपना रूटीन का काम चलाया। तो इस किस्म का लोन अक्सर देखने में आया है कि ये मिल जाता है। जहाँ पे इनको फाइनेंस इतने आसानी से नहीं मिलता वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का लोन है, क्योंकि ये एक नई बिल्डिंग, एक नई इमारत बनाना, एक नया इंडस्ट्रियल प्लॉट खरीदना ताकि ये अपनी फैक्ट्रियाँ बना सकें, वहाँ पे इनको मुश्किल होती है।
और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी की प्रोक्योरमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी की लीजिंग के लिए आमतौर पर देखा गया है कि इन लोगों को लोन के असूल में मुश्किल पैदा होती है। मुख्तलिफ किस्म की सेक्टर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट स्कीम्स के तहत इंजीनियरिंग सेक्टर्स के ऊपर फोकस रखते हुए प्रोग्राम डेवलप किए जा सकते हैं, जहाँ पे उनको लोन देना ना सिर्फ आसान बनाया जाए बल्कि उसके लोन के असूल के बाद उसकी किस्तों को या उसके इंटरेस्ट रेट को भी इस तरीके से रखा जाए कि वो उनके लिए अट्रैक्टिव हो। तीसरी जो चीज़ है वो एडवाइजरी इंफॉर्मेशन शेयरिंग और ट्रेनिंग के हवाले से है। हमारे छोटे और मीडियम लेवल के जो बिजनेसेस हैं, इनमें आमतौर पर एंटरप्रेन्योरी सारा बिजनेस रन कर रहा होता है, और जिसकी वजह से उसको उसके ऊपर अपनी कॉम्पिटेंस के हवाले से कुछ ना कुछ पाबंदियाँ, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रहती हैं, और उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते, ना ही उनको पता होता है कि अच्छे रिसोर्सेज कहाँ पे अवेलेबल हैं जिनको वो एडवाइजर्स के तौर पे हायर कर सके। तो अक्सर देखा ये गया है कि जहाँ बड़े बड़े कारोबार पाकिस्तान में अच्छे एडवाइजर्स, अच्छे कंसल्टेंट्स, अच्छे बिजनेस डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को हायर कर लेते हैं अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, तो छोटे बिजनेस वहाँ पे उनका ना इस तरफ रुझान गया, ना ही उनको ये सर्विसेज अवेलेबल है, ना ही उनके लिए अफोर्डेबल है। इसी तरह इंफॉर्मेशन की भी उनके पास कमी रहती है, और उनकी लेबर फोर्स जो है वो तो हमने खास तौर पे पहले भी हम डिस्कस करते रहे कि पाकिस्तान में जो लेबर की स्किल डेवलपमेंट है उसकी जो गवर्नमेंट के अंदर फैसिलिटीज अवेलेबल है वो हमारी ज़रूरत से 3 गुना कम है, यानी कि हमारी ज़रूरत जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और हमारे मुल्क में लेबर की ट्रेनिंग जो है वो बहुत कम देने की कैपेसिटी मौजूद है। तो इन तीनों चीज़ों को गवर्नमेंट की सपोर्ट से, टेफ्टा जैसे इदारों से, स्मीडा या टूस्टेक जैसे इदारों की सपोर्ट से ही इनक्रेज किया जा सकता है, ताकि छोटे और दरमियाने दर्जे के जो इंजीनियरिंग सेक्टर के कारोबार हैं, जब इनको अपनी मार्केटिंग के लिए, अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के लिए, अपनी लेबर की स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई भी सपोर्ट, कोई भी सर्विस, कोई भी एडवाइजरी सपोर्ट, कंसल्टिंग सपोर्ट चाहिए, तो वो गवर्नमेंट की फैसिलिटेशन के थ्रू इनको आसान तरीके से, आसान रेट पे अवेलेबल हो सके। इसका चौथा कंपोनेंट जो है वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। हमने ये देखा कि पाकिस्तान की अक्सर चीज़ें कॉस्ट एफिशिएंसी की तरफ चली जाती हैं, और क्वालिटी के मसाइल अक्सर रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे अपने मुल्क में भी वो लोग जो कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ें पसंद करते हैं, अफोर्ड भी करते हैं, मिडिल इनकम ग्रुप या हायर मिडिल इनकम ग्रुप, वो इम्पोर्टेड चीज़ों के लिए ही फिर उनकी एक रुझान उस तरफ ही रह जाता है। तो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस कराना पाकिस्तान में, बेशक वो रॉ मटेरियल की साइड पे हो, बेशक वो इंडस्ट्री के अपनी क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन के हवाले से हो, या मार्केटिंग की साइड पे हो, ऐसे कोई कवानीन ही अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिल के अपना अपना रोल प्ले कर सकते हैं, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर जो है इस किस्म के कवानीन को बनाने में, पास करवाने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के साथ कंसल्ट करने के बाद, वहाँ पे शायद प्राइवेट सेक्टर की ऑडिटिंग फर्म्स जो कि ISO और इस किस्म की ऑडिटिंग की सर्विसेज दे रही हैं, उनको एंगेज किया जा सकता है कि वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस को एक अपनी कॉस्ट के हवाले से, जो उनकी कॉस्ट इसमें आती है, ये सर्विसेज प्रोवाइड हों कि जो कंपनियां इस किस्म की क्वालिटी सिस्टम्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं वो इन प्राइवेट ऑडिटिंग फर्म्स की सर्विसेज लें, उस कानून के मुताबिक, उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो कि गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं, उनको फॉलो करते हुए इनको अपनी सर्विसेज दें और इनको क्वालिटी सर्टिफिकेशन अवार्ड करें। और पांचवा जो कंपोनेंट है वो इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल वैल्यू चेन है। तो ये इसकी लोकल डोमेस्टिक डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा ये तमाम इंडस्ट्रीज जो है ये इनके अंदर एक्सपोर्ट भी, अच्छी एक्सपोर्ट ऑलरेडी भी हो रही है, और इसमें बड़ी तेज़ी से इजाफा भी हो रहा है, जिसकी वजह से एक तरफ इनको इंटरनेशनली रॉ मटेरियल की सोर्सिंग करनी पड़ती है, मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से लानी पड़ती है, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करके लानी पड़ती है, तो दूसरी तरफ अपनी मार्केटिंग के हवाले से भी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाके अपनी मार्केटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। पिछले 10 सालों में मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हमारी इंडस्ट्री प्रेशर में रही, जिसकी वजह से दुनिया की मुल्कों के साथ जो रबते थे, बेशक वो रॉ मटेरियल साइड पर हों या मार्केटिंग साइड पर हों, उनमें बहुत कमी आई। हमारी इंडस्ट्री को ये फील नहीं होता था कि उनको ज़रूरत है इस चीज़ की कि वो बाहर जाएँ, क्योंकि कंपेटिटिवनेस हमारी बहुत सफ़र कर रही थी। तो एक रबता काफ़ी हद तक जो है वो टूट चुका हुआ है। इस वक्त शायद गवर्नमेंट को ज़रूरत यह है कि कुछ इंसेंटिवाइज करके इनको मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों में मुख्तलिफ एग्जीबिशंस के थ्रू, मुख्तलिफ ट्रेड फेयर्स के थ्रू दोबारा इनको इंट्रोड्यूस कराए, ताकि इनका कॉन्फिडेंस दोबारा से बहाल हो अपनी रॉ मटेरियल सोर्सिंग के हवाले से भी और अपनी मार्केटिंग के हवाले से।